वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग बट वेरी इजी रेसिपी, और वो रेसिपी आपको बहुत अच्छी भी लगेगी क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही कम है लेकिन खाने के लिए ये एकदम टेस्टी और डिलीशियस है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ बनाना बंस, जिसे मंगलोरियन बंस भी कहा जाता है, और आप इसे बनाना की मीठी पूरी भी कह सकते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कर्नाटक की एक फेमस स्वीट डिश, और जिसे आप टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हो, और वो है बनाना बंस। और बनाना बंस को मंगलोरियन बंस भी कहा जाता है। तो बनाना बंस बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिए है 1/2 कप स्मैश बनाना, जो एक्चुअली अच्छे से पके हुए रहते हैं, जिसकी स्किन पूरी तरह से ब्लैक होती है, वैसे वाले बनाना मैंने यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं और उसको स्मैश करने के बाद वो और भी अच्छे से स्मैश हो जाते हैं। 1/4 टीस्पून शुगर, जिसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे लिया है घी 2 टेबलस्पून, स्वादानुसार नमक, गेहूं का आटा, आप चाहिए तो गेहूं के आटे के बदले यहाँ पे मैदा भी यूज कर सकते हो। गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है, और बंस को अच्छे से फ्लफी होने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून सोडा। तो अभी ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है बड़ी वाली परात, और उसमें मैं भी डाल रही हूँ मैं चीनी, इसको मैंने ऑलरेडी बारीक करके लिया है। देन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे घी और चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स करके लिया है। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ बनाना, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्मैश करके लिए हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसके जो बनाना है वो चीनी में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, और एक लिक्विड की जैसे ये बन जाएगा। पहले देखिए, जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो गए। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक और सोडा, और इन चीजों को भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। बनाना ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसमें आप अपने स्वादानुसार जो चीनी है वो कम ज्यादा कर सकते हो। इस प्रकार से इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। देखिए, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए, लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर बाद में इसको जब बेलते हैं तभी वो जो पूरी बनती है, जो बंस बनते हैं, वो अच्छे नहीं बनते, तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बने। तो इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके लेना। देखिए, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे आटा। इसमें ऐड करेंगे आटा, और आटे को भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें मिक्स करेंगे। और हाथ से ऐसे अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसका मिक्स स्मूथ डो बनाना है। इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार से अच्छे से हाथ से मलते हुए इसका एक डो बना के लेना है। तो ये देखिए, हमारा जो बनाना बंस बनाने के जो डो है वो बनके अभी रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अभी इसे मैं ट्रांसफर करती हूँ दूसरे बाउल में। तो ये देखिए, यहाँ पे डो एकदम रेडी है, और मैं अभी इसे 3 घंटे के लिए ढक के रखने वाली हूँ साइड में। तो अभी 3 घंटे हो चुके हैं, और 3 घंटे बाद ये देखिए, जो बनाना का हम लोगों ने यहाँ पे डो बना के रखा था वो एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी का है, एकदम सॉफ्ट है। तो अभी हम लोग इसे बेल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के लेने हैं,
और इसे हम लोग जो सूखा वाला आटा है वो लगाएंगे और अच्छे से बेल लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सूखा आटा मैंने लगा लिया है और इसे अभी बेल लेते हैं। इसको मोटा नहीं बनाना है, मतलब एकदम थिक नहीं रखना है, बल्कि थोड़ा सा मीडियम लोगों को बेल लेना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा थिक। आपको दिक्कत है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो साइज है नॉर्मल जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं उतनी होनी चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से जो सारे बंस है वो हम लोग बेल लेते हैं। तो बाकी के बल्ब मैंने बेलते बेलते यहाँ पे साइड में गैस पे ऑयल गरम करने के लिए रखा था, तो ऑयल भी अच्छे से गरम हो गया है। तो अभी मैं इसमें बल्ब जो मैंने यहाँ पे बेल के रखे हैं वो डालती हूँ और अच्छे से इसे डीप फ्राई कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने डीप फ्राई करके लेना है हमें, आप देख सकते हो बल्ब एकदम फुल के मस्त एकदम, ये देखिए इसे फूलने चाहिए और इसको दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोगों को ये तल के लेने हैं। इस प्रकार से ये देखिए गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम लोगों को तल के लेना है, ताकि ये बर्न ना हो जाए, काले ना पड़ जाए, इसके लिए मीडियम फ्लेम पे हमें ये तल के लेने हैं। तो इसको अच्छे से दोनों साइड से तल लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए बंस बनके रेडी है, तो अभी इसे निकलते हैं सर्विंग बाउल में। तो ये देखिए बनाना बंस बनके रेडी है, और आप इसे चाय के साथ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या कि फिर इवनिंग के स्नैक्स में सर्व कर सकते हो। इवन इफ आप इसे अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।